हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 और वेबसाइट्स के बारे में जो आपको अप टू $300 कमाने का मौका देगी। जी हां दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पार्ट 4 है हमारी अर्न $300 की सीरीज का। अगर आपने पहले के 3 वीडियोस मिस किए हैं तो आप डेफिनेटली उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 30 वेबसाइट्स आप ऑलरेडी जानते हैं जो प्रीवियस हम लोग बात कर चुके हैं जिनके बारे में, और 10 वेबसाइट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी वीडियो का पार्ट 5 करें तो हम हमेशा की तरह इस वीडियो के लिए टारगेट रखते हैं 300 लाइक्स का। जी हां, अगर हमारे पास में 300 लाइक्स आते हैं इस वीडियो पे तो जैसे ही आएंगे उसी के अगले दिन या उसके दूसरे दिन मैं एक नया वीडियो आपके लिए करके दूंगा, और इसी तरीके से हम लोग नया नया पार्ट करते रहेंगे हर एक टारगेट क्लियर करने के बाद में। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगा मैं आपका। उसके पहले कि मैं इंट्रो को रोल करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है आज अखिल हमारा जो वीडियो है उसके बारे में, तो उसके लिए आप कुछ भी क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो आप कमेंट सेक्शन में #AskAkhil यूज़ करके अपना क्वेश्चन पूछना ना भूले। जितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अगर मुझे वो क्वेश्चन पसंद आएगा तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को इंक्लूड करूंगा। जी हाँ, वो वीडियो हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। जैसे हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम डेफिनेटली कर लेंगे। और ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लिस्ट में पहला है बी मिशेलिन पिपिन। जी हाँ, ये एक इंडिविजुअल वेबसाइट है जो आपको पे करती है $50 से लेके $150 तक हर बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स के लिए। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, डू नॉट अप्लाई इफ यू डू नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी सॉलिड ग्रास्प ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और आपके पास में सामने पूरे फॉर्म है अगर आपको अपनी डिटेल शेयर करनी है तो ऑफकोर्स मैंने कोई स्कोप नहीं छोड़ा है आपके लिए ये पूछने के लिए कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ना ना भूलें और अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती हो तो ही अप्लाई करें। बात करते हैं दूसरी वेबसाइट की जिसका नाम है CEO Hangout, जो आपको पे करती है $50 इफ इन केस अगर आप प्री अरेंज कर सकते हैं एडिटर के साथ में, अगर आप अपने पिच शेयर करते हैं, नेगोशिएट पेमेंट करते हैं तो आप थोड़ा और ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको जो लिखना होता है वहाँ पे वो होगा लाइफ स्टाइल, सक्सेस स्टोरीज, इंटरव्यूज, अदर रिपोर्टेड फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट जो बिजनेस लीडर से रिलेटेड होते हैं। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है पर अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 की जो कि है डेली वर्थ। डेली वर्थ दोस्तों आपको $150 देता है हर एक आर्टिकल का जो वुमेन और मनी से रिलेटेड होता है। जी हाँ, यहाँ पे आपके पास में आप डायरेक्टली एडिटर को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के लिए। इनकी जो मैनेजिंग एडिटर है वो है कोआ बैक, तो आप डेफिनेटली अपना जो पिच है, अपना जो आइडिया है वो शेयर कर सकते हैं लिखने के पहले। बात करते हैं नंबर 4 की जो कि है डॉक्टर ऑफ क्रेडिट, जो आपको पे करते हैं $50 हर एक पर्सनल फाइनेंस आर्टिकल रिलेटेड चीज़ों के लिए जो स्पेसिफिकली फोकस करता है क्रेडिट के ऊपर। जी हाँ, अगर आप फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डेफिनेटली $50 कमा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में सीधा सीधा लिंक है गेस्ट पोस्ट हियर, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली कहाँ अप्लाई कर पाएंगे उस चीज़ के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो आपको उस चीज़ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप कहाँ पे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी मेंशन है तो बिल्कुल ही टेंशन की बात नहीं है। बात करते हैं नंबर 5 की जो कि है ई कॉमर्स इनसाइडर्स, जो आपको $60 से $150 हर एक आर्टिकल का देता है जो कि ऑनलाइन रिटेलिंग से रिलेटेड होती है। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है टॉप में, अभी वो नई एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन है वो पिछले अगले एक महीने तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके बाद में ओपन हो जाएगा। तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहता था, ये है इनका मनी रिलेटेड चीज़ें। बात करते हैं नंबर 6 की जो कि है फ्रीलांस मॉम, जो आपको पे करता है $75 से $100 तक हर एक पोस्ट का जो बिजी पेरेंट के ऊपर जो बिजनेस होते हैं उसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है आप लिख सकते हैं। यूजुअली ये मॉम्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए, तो अगर आप लिखना चाहें तो जो आपको $150 देती है। और साथ में आपके पास में एक नया ऑप्शन भी होता है जो कि है बोनस $150 का, जो आप यूजुअली कमा सकते हैं अगर आप जीतते हैं तो। बात करते हैं नंबर 7 की जो कि है फ्रेश बुक्स। जी हाँ, काफ़ी सही वेबसाइट है अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट है तो, जो आपको $200 देती है या उसके ऊपर भी देती है। अब आपके आपको लिखना क्या होता है, अगर आपके पास में इन चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ भी लिख सकते हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
बात करते हैं नंबर 8 की, जो कि है ग्रो मैगजीन। जी हाँ, ग्रो मैगजीन आपको पे करती है $50 के ऊपर फाइनेंस रिलेटेड आर्टिकल्स के ऊपर। अब आपको ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, तो ईमेल आईडी grow@accounts.com है, आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी मिल जाएगी अप्लाई करने के लिए। बात करते हैं नंबर 9 की, जो कि है इनकम डायरी, जो आपको $50 से $200 देती है हर एक आर्टिकल का, जो मेक मनी ऑनलाइन इंक्लूडिंग SEO, अफिलियट सेल्स या ट्रैफिक जनरेशन के ऊपर यूजुअली होता है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे पेमेंट की डिटेल्स दिख जाएगी। यूजुअली आपको यहाँ पे थोड़ा सा निगोशिएट करना होता है, आपको अपनी प्राइस शेयर करनी होती है अगर आप इंटरेस्टेड हैं पैसे कमाने के लिए भी राइटिंग से। जी हाँ, काफ़ी दोस्त फ्री में भी करते हैं, आप अगर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। नंबर 10 पे है, जो कि लास्ट है, वो है मेरासी। मेरासी दोस्तों आपको $200 देती है हर एक 1000 से 2000 वर्ड के पोस्ट का, जो मार्केटिंग, बिजनेस, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ रिलेटेड होता है। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं, सभी वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी वो 10 वेबसाइट्स जिन्हें यूज करके आप अप टू $300 कमा सकते हैं। मजाक नहीं है, डेफिनेटली रियल है, मेहनत लगेगी ऑफ कोर्स, इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, आपकी राइटिंग की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और ये जो वेबसाइट्स हैं, जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आपको टाइटल में पता लगा, ये आप यूजुअली बिजनेस, करियर मैनेजमेंट या फाइनेंस रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। हम इसी वीडियो का अगला पार्ट फिर करेंगे 300 लाइक्स पूरे होने के बाद में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर आपको पेमेंट मेथड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो दोस्तों मैक्सिमम पेपाल यूज़ होता है, उसके अलावा वायर ट्रांसफर या चेक भी हो सकते हैं, वो अगेन वेबसाइट पर डिपेंड करेगा। तो हर वेबसाइट के लिए सेम आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, जब आप उस चीज़ को साइन अप करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे पता लग जाएगा। और दूसरी चीज़ जो यूजुअली क्वेश्चन मुझे लोग पूछते हैं कि मैंने सिर्फ वेबसाइट बता दी आपको, अब आगे क्या? आगे दोस्तों आपको मेहनत करनी है। अगर आपको किसी जॉब वैकेंसी के बारे में न्यूज़पेपर में पता लगता है, तो आप न्यूज़पेपर में जाके ये नहीं बोलते कि यार तुमने सिर्फ जॉब के बारे में बताया, अप्लाई कैसे करूं, कैसे करूं, इंटरव्यू का क्या करूं, क्वेश्चन क्या तैयार करूं। दोस्तों वो सभी मेहनत आपको करनी होगी। तो ये जो सारी जो वेबसाइट्स हैं, ये मैं आपको काफ़ी रिसर्च के बाद में शेयर करता हूं, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा मेरे जो राइटर दोस्त हैं मेरे को वहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों के पहले, तो आई होप आप अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को, और हमेशा की तरह यूँ नहीं पूछेंगे कि ठीक है यार मैंने सिर्फ आपको सामने डंप ला के रख दिया। अगर इतना आसान होता ये सारी चीज़ें सामने रखना, तो दोस्तों आप खुद भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप जो मेरी मेहनत है उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो भी दोस्त जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उनको इस चीज़ के बारे में पता लगे। कमेंट करना ना भूलें, बताइए आपकी राइटिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में, आज का खिल के लिए क्वेश्चन पूछना ना भूलें। और चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है, सब्सक्राइब बटन पर हिट करना ना भूलें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो दोस्तों वो उस घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप जब भी नया वीडियो आए तो आप वीडियो नहीं मिस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।